आई नवदीप कौर कमिट टू बी विजिलेंट एंड बियर इन माइंड एट ऑल टाइम्स द रिस्क टू माई सेल्फ एंड माई क्लीग्स फ्रॉम COVID-19 आई प्रॉमिस टू टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस दैट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डेडली वायरस आई प्रॉमिस टू फॉलो एंड एनकरेज अदर टू फॉलो द की कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स टू ऑलवेज वियर अ मास्क फेस कवर एस्पेशली वैन इन पब्लिक प्लेसेज टू मेंटेन अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 6 feet फ्रॉम अदर्स To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. So students of the 5th class, let us start with the one word question answer. Okay, chapter number 13 and 14 ke jo hai je one word question answers hain. Theek hai, you just go through these all questions. We discuss them one by one. First one is animals and plants that may soon not exist. कौन कौन से हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स जो जल्दी ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं वो क्या है उसका आंसर एंडेंजर्ड कि वो खतरे में हैं. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द अदर. ठीक है, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द माइग्रेशन. एक जगह से जो है दूसरी जगह मूव ऑन करना उसको क्या बोलते हैं हम, माइग्रेशन. द थर्ड वन इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन दी अर्थ्स टेम्परेचर. जो धरती का टेम्परेचर है लगातार बढ़ता जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग. ये आजकल जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है. नेचुरल ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड ट्री, जो नेचुरल तरीके से प्लांट और ट्री जो है ग्रो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आंसर इज नेचुरल वेजिटेशन. प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज ऑन अ डीफॉरेस्टेड लैंड. ठीक है, डीफॉरेस्टेड लैंड होती है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे को काट दिया होता है, वहाँ पर जो है नए प्लांट्स लगाना उसको क्या बोलते हैं, आंसर इज रीफॉरेस्टेशन. राइट, सो द नेक्स्ट वन इज व्हेन ट्रीज आर बीइंग कट डाउन इन लार्ज नंबर. जहाँ पर बहुत ज़्यादा गिनती में जो पेड़ हैं ट्रीज हैं वो कट किए जा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, डीफॉरेस्टेशन. ठीक है, डीफॉरेस्टेशन. द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन अ न्यू एरिया, नए एरियाज पे प्लांट्स को लगाना ट्रीज को लगाना उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द एफॉरेस्टेशन. सो स्टूडेंट्स दिस इज द प्रैक्टिस सेक्शंस ऑफ द चैप्टर नंबर 13 and 14. आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस चैप्टर. These are the small question answers and before that we discuss about the chapter number 13 in our last assignment. So this is your vision, right? I hope you understand about this chapter. Thank you and well prepared for your exam. Good luck for your exams.